वेदस्य चक्षु किलेदम स्मृतम ज्योतिषम मुख्यता चांग मध्यस्य तेनोच्यते अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादस्ते सुकेवलम प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्कौ तत्र साक्षिणो। प्रिय दर्शकों नमस्कार, आज हम जिस टॉपिक को लेकर आपके पास आए हैं वो वस्तुतः ज्योतिष है, और ये जानना आवश्यक है हमारे लिए जिस भवसागर में हम कूदने जा रहे हैं उसकी ये पहली शब्दावली है जिसका नाम है ज्योतिष। एक्चुअल में देखें तो ये छोटा सा शब्द सिर्फ चार अक्षरों का नहीं है, इसकी शुरुआत आधे ज से होती है और आधा ज अपने आप में असीमित ज्ञान लेकर के भंडार बैठा हुआ है। इस भवसागर को पार करना बहुत कठिन है। जब तक हमारे ऊपर स्वयं साक्षात सरस्वती की कृपा नहीं होगी तब तक इस विद्या को सीखना और अपने वश में करना बहुत मुश्किल है। मतलब यूं समझें कि इसको अपने वशीभूत करना, इसमें अपने आप को करना बहुत कठिन होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस एक शब्द का विवेचन करते हैं कि ज्योतिष शब्द जो है वो वस्तुतः आया कहां से और इसका नाम ज्योतिष ही क्यों पड़ा है। एस्ट्रोलॉजी जिसको इंग्लिश में कहा जाता है और जिसकी उत्पत्ति हमारे इस भारतवर्ष से हुई है, अन्यत्र और कई विद्याएं जो विश्व में हर जगह भ्रमण कर रही हैं, जिसकी उत्पत्ति हर जगह हो सकती है, लेकिन एकमात्र या वेदों की उत्पत्ति जिस तरह से भारत भूमि पे हुई है, और इस मामले में हमें खुद को, हम समस्त भारतवासियों को अपने आप पे गर्व होना चाहिए कि जिस तरह से वेद हमारा साक्षात्कार करते हैं, जिस तरह से वेद हमारा अनुकरण कराते हैं, जिस तरह से वेद हमें अवलोकन कराते हैं, अच्छी चीजों का पादार्पण कराते हैं हमारे जीवन में, नई चीजों का प्रतिदिन हमें कुछ नया चीज सिखाने का अभ्यास कराते हैं, उस अलौकिक विद्या जो है, उस अलौकिक रूपी विद्या का जो है सार हमारे पास है, वो समस्त विद्या यहीं से विकसित हुई है, उसकी जो मूल भूमि जो है वो हमारी भारत भूमि है। तो कम से कम हमें इतना तो गौरवान्वित तो जरूर होना चाहिए कि ये ज्योतिष विद्या जो है वो हमारे ऋषि महर्षियों की देन है, हमारे मनीषियों के कई कई लाखों वर्षों के तप और उनके संस्कारों का ये देन है कि हम उनकी पीढ़ी इस विद्या को सीखने के लायक हैं। हालांकि इसमें समय के साथ साथ बहुत ज्यादा बदलाव हुआ है, इसमें अतिक्रमण हुआ है, कई सारी चीजों का इसमें मूलभूत चीजों से छेड़छाड़ और अतिक्रमण इतना कर दिया गया है कि ये बिल्कुल अपनी विकृति में चली गई है। तो इस चीज को समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, खासकर मूल रूप से कि इस एक छोटे से शब्द ने कितनी असीमित ऊर्जा अपने अंदर भंडार, असीमित ऊर्जा का भंडार अपने अंदर रखा है। खास करके ये आज कल की जो पीढ़ी है, आजकल जिस युग में हम रह रहे हैं, इस कलयुगी परंपरा में इस विद्या का अध्ययन अत्यंत आवश्यक हो जाता है। कारण क्या है, प्रतिदिन हम समस्या से मिलते हैं, रोज दिन कोई ना कोई समस्याएं आती हैं हमारे जीवन में, तो उसको समझना है। हमें प्रतिदिन जो समस्याएं आ रही हैं वो कहां जाके खत्म होने वाली हैं, उसका अंत कब होने वाला है, हम कब सुखी जीवन व्यतीत कर पाएंगे, कब हमारा पुनरुद्धार होगा, कब हम एक ऐसे राह पे जाएंगे जहां सर्वस्व हमें मिलता रहे, हम एक मंगल और सुखी जीवन की पूर्ति कर सके। तो ये चीज जो है वो हमें ज्योतिष सिखाता है। ज्योतिष में हमें एक्चुअली अगर हम बात करें तो सिर्फ ये एक मात्र ऐसा विधा है, ऐसी विधा है जिसपे हम सिर्फ रश्मियों के माध्यम से, वो रश्मियां हैं किसकी, वो रश्मियां हैं हमारे उस बिंदु से। अब हम जब रेखा गणित पढ़ते हैं, मैं आपको एक छोटा सा इधर से डाइवर्ट करके एक दूसरे तरफ ले चलता हूं, हम जब रेखा गणित पढ़ते हैं तो उसका पाठ्यक्रम शुरू कहां से होता है, बिंदु से। वो बिंदु जिससे हम रेखा बनाते हैं, रेखा से फिर वृत्त बनाते हैं, और वो वृत्त इस ज्योतिष में इतना बृहद हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है कि अखंड मंडलाकार हो जाता है। वो वृत्त इतना बड़ा हो जाता है कि समस्त ब्रह्मांड को अपने अंदर समाहित करने की शक्ति है उसके पास। ये वृत्त इतना बड़ा है कि उसमें ग्रह, नक्षत्र, तारा, तारामंडल, नक्षत्रगण, उल्का पिंड और न जाने कितने असंख्य आकाशीय पिंड जो हैं, वो निरंतर उसमें एक नियमित पथ पर विचरण करते रहते हैं। वो पथ अपना कभी भटकते नहीं। कैसी स्थिति है उस ईश्वर की, हम मतलब कितनी बार, कोटि कोटि बार प्रणाम करें तो फिर भी इस व्यवस्था का हम एक बार भी
वो नहीं कर सकते, कितनी बेहतरीन व्यवस्था बनाई है उसने। हम इंसान सड़क पे चलते हैं तो भटक जाते हैं, लेकिन वो परमात्मा कितना बेहतरीन व्यवस्था बना के बैठा है कि सूर्य चंद्रमा यह जितने भी नवग्रह हैं वो अपने ही रास्ते पे चलते हैं, कभी किसी का अतिक्रमण नहीं करते हैं। अगर अतिक्रमण करते हैं तो वो टकराते नहीं, रास्ता भटकते हैं, भटकते नहीं, एक्चुअल एक दूसरे के रास्ते को काटते भी हैं। उनके जो परिक्रमा का पथ बनाया गया है वो एक दूसरे को काटते भी हैं। आपने भूगोल में पढ़ा भी होगा कि प्लूटो ग्रह किसी दूसरे ग्रह की कक्षा को काट रहा था, इसीलिए हमारे वैज्ञानिकों ने 2008 में उस प्लूटो ग्रह को ग्रहों की वास्तविक परिभाषा के ऊपर खरा ना उतरने के कारण उसको हटा दिया, ग्रहों की परिभाषा से हटा दिया, क्योंकि वो उस सही से उस परिभाषा को फुलफिल नहीं कर पा रहा था, जिसके वजह से उसको अपने ग्रहत्व अपने ग्रह जो ग्रह का उसका जो एक अपनी परिभाषा लिए वो बैठा था उससे उसको हाथ धोना पड़ा। तो एक विस्तृत परंपरा में अगर हम देखें तो ईश्वर के द्वारा बनाई गई जो सृष्टि है उसमें समस्त ग्रह, समस्त तारा, समस्त नक्षत्र, समस्त पिंड जो भी आकाश में संचरण कर रहे हैं वो रश्मियों के साथ चमक रहे हैं, और उनकी रश्मियां हम मानव जगत पे ही नहीं समस्त चराचर जगत को इतना ज्यादा प्रभावित करती हैं, अंतर मन अणु से अणु, परमाणु से परमाणु, आप क्या सोच सकते हैं उस चीज को प्रभावित करती हैं। और इतना ही नहीं, उसका हर एक प्रभाव हमारे नित्य प्रतिदिन के जीवन पे दिखता है। अगर कोई शुभ ग्रह आपकी राशि पे संचरण किया तो आप अच्छा महसूस करते हैं, जैसे ही किसी पापक ग्रह की उत्पत्ति आपके ग्रह पे आती है तो आप अपने आप को हतप्रभ, परेशान और चिंतित दिखने लगते हैं, दिखाने लगते हैं, या फिर आपके एक्टिविटी से ऐसा लगता है आप परेशान हैं, भले ही आप ज्योतिष को माने या ना माने, लेकिन ये आपको प्रभावित करता है, ये रश्मियां जो है हमें प्रभावित करती है। तो वस्तुतः अगर हम देखें तो इन सारी चीजों का सूर्य के सात रंग और सूर्य के सात रंग हमें अगर उसको प्रिज्म में रखा जाता है तो वो किस तरह से प्रिज्म में प्रभावित होता है, प्रिज्म से प्रभावित होकर के सात रंगों में विभक्त हो जाता है। अगर उस सूर्य की रोशनी के बीच में हम किसी प्रिज्म को न रखते तो क्या हम देख पाते कि वो कितने रंगों से बना है, उन अवरक्त किरणों को पहचान पाते जिसमें उष्मा लिए सूर्य बैठा है। तो ये चीजें जो है वो कहीं ना कहीं भौतिकी का भी अध्ययन कराती हैं। ज्योतिष शास्त्र में भौतिक भी समाहित है, हमारा आज का रसायन विज्ञान भी समाहित है, हमारा मनोविज्ञान समाहित है, हमारा स्वास्थ्य विज्ञान जो हमारा प्रतिदिन हमारा सूक्ष्म शरीर से लेकर के इस भौतिक और स्थूल शरीर सब चीज इसमें समाहित करके बैठा हुआ है। ये ज्योतिष का आधा जो है वो उसको सीखने में वर्षों लग जाते हैं। हमारे ऋषियों की परंपरा को अगर हम आगे बढ़ाने का बीड़ा ले बैठे हैं तो उसके लिए हमारे लिए सबसे ज्यादा जो आवश्यक चीज हो जाता है इस ज्योतिष के जो को समझना, जो समझना आसान नहीं है। क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, अगर मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, हम ज्योतिष को कैसे जान पाए, इस विषय को हमारे पास लाया कैसे गया, इसका प्रादुर्भाव कैसे हुआ, ये उत्पत्ति इसकी कैसे हुई, कारण कहां था और ये कहां से आया। हमारे ऋषि महर्षि, हमारे जितने भी बड़े पूर्वज थे जिन्होंने भी इस विद्या को अध्ययन में लाया है, सबसे पहले इसे अंगीभूत किया है, सबसे पहले इसका प्रादुर्भाव किया है, उन्होंने अपने वर्षों की तपस्या के बाद उस आकाशीय पिंड का जो समस्त ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं उसके जैसी ही संरचना अपने इस सूक्ष्म और स्थूल शरीर में, इस भौतिक शरीर में विकसित की है। मतलब यह है कि वहां नवग्रह है, इस शरीर में भी उसकी परिकल्पना कर बैठे वो लोग। बुद्धि कितनी तीक्ष्ण थी उनकी जो ये परिकल्पना किए कि हम उस ग्रह से संबंधित है, वो ग्रह हमें प्रभावित कर रहे हैं। तो ठीक उसी तरह की कल्पना अपने इस शरीर में, इस मानव रूपी शरीर में उसको विकसित किया और फिर उसको एक तारतम्यता में लाने के साथ साथ उसको एक तार में जोड़ा, एक माले में पिरो करके भविष्य देखने का प्रयास किया। उस भविष्य के गर्त में जो बिल्कुल अंधकार में है कोई ऐसी विद्या जो हमें भविष्य बता सके? नहीं है। ये भारत भूमि पे ऐसी विद्या विकसित हुई, कितने ऋणी हैं हम उनके और कब तक चुका पाएंगे उनके ऋण को? कभी नहीं शायद। और आज हम उस पे हंस भी देते हैं, उनकी इस प्रयास पे हम कभी कभी हंसने से भी पीछे नहीं हटते।
तो क्या विडंबना है ये? सबसे पहले तो हम सिर्फ यही जान लें कि ये है क्या, हमारा उद्धार हो जाता है। और ये एक ऐसा विद्या, एक ऐसी विद्या जो कर्मकांड को लिए बैठी है, ज्योतिष कर्मकांड को भी लेके बैठा है, वेद को भी लेके बैठा है। वस्तुतः जो है वेद के 6 अंग है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। तो इन समस्त चीजों का अध्ययन तो हम करेंगे ही, साथ में सबसे पहले मैंने जो बताया आपको कि ज्योतिष जो है यही है, एक्चुअल में सिर्फ रश्मियों का अध्ययन है ये। ये रश्मियां हमें कब शुभता की ओर ले जाती हैं, कब हमारे क्रियाकलाप पे नकारात्मक प्रभाव डालती हैं, कब हमारे किए गए प्रयासों से हमें, उसके रिजल्ट से हमें चित्त कर देती हैं, और कब हम मात्र थोड़े से अगर अपने कार्य में सफलता के लिए अग्रसर होते हैं वो हमारा भंडार भर देती है। तो ये चीज है, अगर ज्योतिष को सही से समझा जाए तो सिर्फ एकमात्र ये जो मैंने श्लोक पढ़ा है तो उसके पहले पंक्ति को पकड़िए और उसके पहले सेंजा को पकड़ना है। उसमें क्या कहा है, वेदस्य चक्षु, वेद की चक्षु, वेदस्य वेद की आंखें साक्षात ज्योतिषी हैं। अगर जिस तरह से अंधकार में रखी हुई कोई वस्तु तब तक हमें नहीं दिखाई देती है जब तक हम उस पे सूर्य की रोशनी नहीं जाने देते हैं, या फिर जब तक हम उस पे किसी भी उस दीप्त पिंड को उस पे नहीं डालते हैं, तो ठीक ठाक ये सम जो है, ये स्थिति जो है, ठीक ये ज्योतिष की ही है कि ये हमें हमारे भविष्य का दर्शन कराता है। यही नहीं, भविष्य को तो दिखाता ही है, वर्तमान में निकटतम भविष्य में कैसा होने वाला है, गोचर में आपके ग्रह कैसे भ्रमण करने वाले हैं, अभी आपके गोचर में स्थिति कैसी बन रही है, निकट भविष्य में कैसा होने वाला है, सुदूर विंशोत्तरी दशा जब आगे हम अध्ययन करेंगे तो विंशोत्तरी दशा का अध्ययन करेंगे, उसमें 120 सालों का अध्ययन होता है, उसमें ये बताया जाता है कि ये ज्योतिष आपको कितना प्रभावित करेगा जिसको आप नहीं मानते। वस्तुतः अगर हम देखें तो मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, सिर्फ ज्योतिष से संबंधित या हमारे इस आस्तिक विद्या को धारण करने योग्य वही हो सकता है जो अपने इस हृदय में उस परम पिता को हमेशा याद करता हो और उसके प्रति खुद को ऋणी मानता हो, और कोई सीख ही नहीं सकता इसको, बस की बात ही नहीं है, इतना आसान थोड़ी था। अगर इतना आसान ही होता तो हम फिर अनुकरण क्यों करते किसी का, और ये जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूं वो खुद का बताता, खुद के द्वारा रचित करके, जिस तरह से तुलसीदास ने रामायण रची, वाल्मीकि जी ने रामायण रची, वो लिखता मैं, कहां लिखा है मैंने, हम तो उसी का अनुकरण कर रहे हैं और अपनी जेबें भर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो वो भी सीख लें, बहुत होगा, हमारा बेड़ा उसी से पार होने वाला है। तो इसी के साथ ज्योतिष मैंने क्या बताया, सिर्फ रश्मियों का अध्ययन, उन कलाओं का अध्ययन, आगे चल के हम इसके भाग को समझेंगे। ज्योतिष में गणित होता है, फलित होता है, गणित में क्या अध्ययन करेंगे वो मैं बाद में बताऊंगा, फलित में क्या अध्ययन होता है वो भी बताऊंगा, ग्रहों की परिभाषा कैसी है, ग्रह क्या क्या लेके बैठे हैं, शुभ ग्रह क्या प्रभाव दिखाते हैं, पापक ग्रह कैसा दृष्टि डालते हैं, और ज्योतिष ये सब लेके ऐसा मुट्ठी बंद करके बैठा है जिसको खोलना इतना आसान नहीं है। जब तक खोलेंगे तब तक आपकी अवस्था निकल जाएगी, और हमारी अवस्था ऐसी नहीं है कि हम उन ऋषियों की बराबरी कर सके, शायद कभी नहीं, हमारा पुण्य उतना बली नहीं है कि हम उनकी परंपरा को धो भी सके। इसी व्यवस्था के साथ और इसी एक छोटे से वीडियो के साथ, अगर वीडियो में कोई चीज समझ में ना आई हो तो आराम से बेझिझक कमेंट में लिखिए, या आप फोन करके, हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया है, किसी भी तरह के सुझाव का दी खोल के स्वागत करते, जरूर भेजिए, अवश्य भेजिए, और वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाइए क्योंकि शुरुआत है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा इसे आगे बढ़ाएं, बाकी आपकी इच्छा, मैं दोबारा नहीं कहूंगा और कभी नहीं कहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, कल आएंगे किसी दूसरे विषय के साथ, देखते हैं विषय कौन सा होता है।